हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप आधार नंबर नहीं रहने पर भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन। इसके लिए आपके पास एनरोलमेंट आईडी होना चाहिए। बहुत से लोगों का आधार नंबर नहीं मिलता है, जब वो नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसको एनरोलमेंट स्लिप मिल जाता है और उसमें आपका एनरोलमेंट आईडी रहता है, उसी से आप आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में ऐड होना चाहिए, यानी कि जब आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं उसमें आपको मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, तभी आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप एनरोलमेंट आईडी से आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। पूरी जानकारी आपको मिलेगा, आप वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें। अगर आपके पास केवल आधार कार्ड नंबर है तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस साइट पर आना है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। बहुत सारा आधार का काम यही साइट से आपको हो जाता है, जैसे आधार कार्ड का रीप्रिंट करना है या आधार कार्ड का और भी कुछ वर्क है, तो यहाँ से बहुत सारा वर्क आपको मिल जाता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है, नया नया अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस साइट पर आपको आने के बाद माय आधार पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड आधार पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपको एनरोलमेंट स्लिप मिला है उसमें आपको एनरोलमेंट आईडी दिया गया है, वो आईडी को यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसी में आपको डेट और टाइम लिखा हुआ है उसी के बगल में आपको मिल जाएगा एनरोलमेंट स्लिप में, तो उसे भी यहाँ पर टाइप करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको डेट और टाइम को यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, इसे आप बगल में दिया गया है उसे आप देख देख के यहाँ पर टाइप करेंगे। कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया है टिक मार्क लगाने के लिए, यहाँ पर आपको टिक मार्क नहीं लगाना है, नहीं तो आपको मास्क आधार डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड बनने समय दिए थे, वो मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो देखिए, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसका आपको आंसर दे देना है टिक मार्क लगा के। आपको जो ठीक लगेगा वैसा आप यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड दिया गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नीचे आप पासवर्ड भी देख लेंगे। एग्जांपल में इस तरह का पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपका जो नाम का फर्स्ट चार डिजिट देना है और डेट ऑफ बर्थ। चलिए वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। देखिए, इस तरह से डाउनलोड पे क्लिक करने से डाउनलोड पीडीएफ आ जाता है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड में आपका जो चार डिजिट का है फर्स्ट नेम आपको चार डिजिट का देना है और डेट ऑफ बर्थ देना है, कैपिटल में सब रहेगा, और सबमिट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से आपका जो आधार कार्ड है आपका दिखाई पड़ेगा, आप इसे प्रिंट कर लेंगे। दोस्तों,
आप इसी तरह से एनरोलमेंट आईडी से भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे दोस्तों, ताकि नया अपडेट आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।